नमस्कार राय साहब। नमस्कार राय साहब। नमस्कार मालिक। नमस्कार राय साहब। सब कुछ तैयार है ना? जी हाँ मालिक। सूर्या, आज तेरा जन्मदिन है बेटा, पहले मंदिर दर्शन करने चले। प्रणाम माँ। चलोगे ना? मेरे लिए मंदिर भगवान सब आप ही हैं माँ, आपका आशीर्वाद ही काफी है मेरे लिए। मुझे एक गांव की पंचायत में जाना है, मैं जाकर आता हूँ। आज हमारे गाँव में किसी के प्रतिमा का अनावरण है, उसके लिए सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, मूर्ति के अनावरण से बढ़कर लोगों का सुख दुख देखना जरूरी है। डीसी, एमएलए, एमपी कोई भी अनावरण का काम कर सकता है, लेकिन पंचायत का काम तो मुझे ही करना है ना? सही कहा भांजे, लेकिन पूरे गांव के लोग आपके हाथ से अनावरण कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा, उनके निमंत्रण को अस्वीकार मत करो। भले ही तुम्हें पसंद ना हो, पर उनके खातिर तुम्हें जाना ही चाहिए, ये मेरी भी इच्छा है। ठीक है माँ, आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है, पंचायत का काम होने के बाद मैं आऊंगा। अब तो खुश है ना? तो जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई हूँ बेटा। अरे माँ, धन्य तो मुझे होना चाहिए, इस धरती में आकर मुझे आप जैसी माँ मिली।
सबके अपने, तुमसे घर बार सबका चलता। तुम भी मेरे अपने हो, नमस्ते नमस्ते, यही अपनी संस्कृति है, नमस्ते नमस्ते। बोलिए राय साहब, इनके दोनों बेटे झगड़ा करके अलग हो चुके हैं, जमीन जायदाद सब कुछ बांट लिया इन्होंने, लेकिन माँ बाप को कोई साथ नहीं रखना चाहता, आप थोड़ा समझाइए इन्हें। जब देखो सुबह से लेकर रात तक ये बुढ़िया खिच खिच करती रहती है, हर दिन मेरी पत्नी से झगड़ा भी करती रहती है, इस बुढ़िया की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मालिक, ये दोनों गाँव के चौराहे पे बैठ के इधर उधर की बातें करते हैं और घर आकर मुफ्त का खाना ठूंसते हैं, इन दोनों की हमें कोई जरूरत नहीं मालिक। आप सबने इनकी बातों को सुना, आपका क्या कहना है? हाथों में जब तक जान थी मालिक, तब तक मैंने मेहनत की, इन्हें पाल पोस कर मैंने बड़ा कर दिया मालिक, अब हाथों में ताकत नहीं बची है मालिक, इसलिए चुपचाप बैठा रहता हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, जिसका इस गांव में कोई नहीं होता उसकी मदद आप करते हैं मालिक, मुझे यहाँ कोई कमी नहीं है, मैं यही रहूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा मालिक। आपका क्या कहना है? मालिक, मैं ना स्वार्थी हूँ ना निस्वार्थी हूँ, इन नालायक बच्चों को 9 महीने अपने पेट में रखकर पाला है, लेकिन पत्नियां आते ही इन्होंने हमें दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। मैंने इन्हें जन्म दिया है, अपना खून पसीना बहाकर इन्हें दूध पिलाया है, मुझे सब वापस चाहिए, मैं निकल जाऊंगी घर से। सही है, इनकी देखभाल आप लोग नहीं कर सकते हैं तो इस माँ का दूध भी आपको वापस करना होगा, वो मांग रही है ना, तो दे दो। अब चुप क्यों हो? बाप जैसे बच्चे का जन्मदाता है तो माँ वो है जो अपने खून से दूध बनाकर अपने बच्चे को दूध पिलाती है। दूध का कर चुकाने के लिए तुमको 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। जन्मदाताओं को पिछले युग में टोकरी में बिठाकर सेवा की थी श्रवण कुमार ने, भूल गए हो क्या? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ बाप को थोड़ा सा खाना देने के लिए मना कर रहे हो, किस तरह के इंसान हो तुम? है देखो, तुम लोग इनकी सेवा करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे, इनसे प्यार करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुमसे प्यार करेंगे, नहीं तो कल इनकी जगह पर तुम खड़े रहोगे, समझ गए ना? गलती हो गई मालिक, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, हम सब साथ रहकर पूरी जिंदगी इनकी सेवा करते रहेंगे, हमें माफ कर दीजिए मालिक। मेरी बात सुनो भाइयों, जानते हो प्यार दोस्ती ममता विश्वास की जड़ अभी इस गाँव में हरी भरी और जिंदा है, उसे किसी भी हालत में सूखने मत देना। आज के बाद हमारे सारे गांव में कोई भी अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा, अगर कोई इस गांव में ऐसा करेगा तो उसका सर मुड़वाकर गधे पर बिठाकर जुलूस निकलवाया जाएगा। हाँ चलता, तुम भी मेरे अपने हो, नमस्ते नमस्ते, यही अपनी संस्कृति है, नमस्ते नमस्ते। सभी हाँ सुख दुख से
सहते सभी, ये सुख दुख सहते सभी, हाँ सहते सभी, हाँ सहते सभी। रुक जाओ, किसने किसने इस मूर्ति को यहां पर लगाया? यह सब करने की क्या जरूरत थी? आप लोग मुझे जिंदा समझ रहे हैं या मरा हुआ? भगवान की मूर्ति कहकर मेरी मूर्ति क्यों बना रहे हो? जीते जागते इंसान की मूर्ति किस लिए, किस लिए? भगवान की प्रतिमा है, इसका मतलब भगवान मर चुके हैं क्या राय साहब? हमारे सुख दुख में हमेशा आप ही हमारे साथ रहते हैं मालिक, हमारे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है मालिक। राय साहब, आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी है, तो आपकी पूजा करने में क्या गलत है? ए! और क्या, आप हमारे लिए भगवान हैं। तो क्या मेरी पूजा करोगे? ऐसा नहीं है, वो मूर्ति ले जाने के लिए आप तो मना कर रहे थे ना मालिक, लेकिन रास्ते में। भांजे, ये आवेश में आकर बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, अभिमान से बनाई हुई प्रतिमा है। इस मंडल के अध्यक्ष के नाते अगर कोई गलती करेगा तो उसे दंड देने का अधिकार है तुझे, लेकिन तुझे प्यार करने वालों को, तुझे मान देने वालों को तुझे दंड देने का अधिकार नहीं है। अब मान भी जाओ। ठीक है माँ, आपकी इच्छा मेरी आज्ञा। ये भाई डालना थोड़ा। नमस्कार शिवराम जी, आराम से खाइए। अरे क्यों ताऊ, कैसा लगा खाना? बढ़िया है। खाइए खाइए खाइए। शिवराम जी, बहुत दिनों बाद मिले हैं, कैसा है आपका बेटा? आपके जरिए लोन मिलने से अब अच्छी कमाई कर रहा है, घर की जिम्मेदारी भी निभा रहा है, मेहनत से काम कर रहे हैं राय साहब। जैसा बाप वैसा बेटा। और वैसे अगले महीने राइस मिल भी शुरू करने वाला है, उद्घाटन आपको ही करना होगा, आशीर्वाद देने आना होगा। जरूर आऊंगा, खाइए।
जल्दी काम करो, शाम तक काम पूरा हो जाना चाहिए। अरे देर मत करना, समझे? सभी गांव में अन्नदान के लिए अनाज भिजवाना होगा। हाँ ठीक है राय साहब। इस बार फसल अच्छी हुई है, सभी गांव में एक दो बोरियां थोड़ा ज्यादा भेज दो। जैसा आप कहें। नमस्ते भैया। नमस्ते, क्या बात है, आज सब साथ में आए हो? देखिए ना, हमारे गांव में नमाज पढ़ने के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। आप जानते हैं ना, अल्लाह की इबादत करना कितना जरूरी है। अच्छी बात है, मुझसे क्या चाहते हैं? हमारे गांव के तालाब के बगल में आपकी जो जमीन है ना, उसमें अगर थोड़ी जगह मिल जाती तो। ठीक है, घर पर आइए। नमस्ते भैया। नमस्ते। कृष्णा, शाम को अनाज मिल में पहुँचा देना। हाँ ठीक है राय साहब, काम हो जाएगा। सारा माल मिल में पहुंचा दो। ठीक है भैया। माँ, शांतिपुर से मुसलमान भाई आए हैं, हमारे तालाब की बगल वाली जमीन से उनको थोड़ी सी जगह चाहिए मस्जिद बनाने के लिए। क्या कहूँ माँ, इतना बड़ा हो गया है तू, एक छोटा सा फैसला नहीं ले सकता बेटा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ माँ, माँ माँ होती है, बेटा बेटा होता है, और आपके अनुभव के सामने मेरी उम्र क्या। क्या करूँ माँ। बहुत नेक काम है, उन्हें जो चाहिए दे दे। नमस्ते भैया। ये लीजिए, कोई और मदद चाहिए? आपने बहुत मदद कर दी हमारी साहब, आपसे और कुछ मांग कर और शर्मिंदा नहीं होना है, अल्लाह भला करे। इस जगह की कीमत कितनी देनी है? भगवान का काम है, कीमत नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, इस मिट्टी में तुमने जन्म लिया, इस मिट्टी में बड़े हुए हो और इस मिट्टी में जी रहे हो, इस मिट्टी की इज्जत करना। ठीक है भैया। एक मिनट, अच्छे काम के लिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कोई हराने वाला हो तो सामने आ जाओ, है कोई? क्या बात है, जीत गया। कोई और है? अब तो मेरी बराबरी करने वाला यहाँ कोई नहीं बचा है ना। नीचे, आवाज नीचे। कुछ लोगों को मार के तुम अपने आप को बलवान मत समझो भीमा, मेरे दामाद जी ने 12 पहलवानों को यहीं पटक कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। आपके दामाद को हराना तो मतलब 12 पहलवानों को हराने जैसा है ना। हाँ हाँ, आ रहे हो? मामा आओ, जीजा जी आओ आओ। अरे जाना भाई, ये चाहे कुछ भी कहें, दिल पे मत लेना, तुमसे जीतना किसी के बस की बात नहीं। जीजा, ऐसी बातों से काम नहीं चलेगा, दम है तो आ जाओ। दामाद जी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। Thank you.
मत मारो जीजा, मैं हार मानता हूँ। नहीं भाई, हम दोनों में से कोई भी नहीं हारेगा। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए। वीरभद्र जी, अच्छा मंडल के अध्यक्ष को दामाद बना लिया आपने, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। भाग्यशाली तो मेरे ससुर जी नहीं, मैं हूँ। बचपन में माँ बाप को खोके अनाथ हो गया था मैं। हमारे वंश को बचाने के लिए इनकी बेटी की शादी ये मुझसे करवा रहे हैं। अरे दामाद जी, क्या बोल रहे हैं आप? आप आइए आइए। जजवान, सगाई की रस्म कौन पूरी करेगा? और कौन, मेरा भाई करेगा। जीजा जी, मैं करूं? जी हाँ भाई, मेरे रिश्तेदार दोस्त तुम ही तो हो। चलो आ जाओ, आओ। श्रीमान वीरभद्रप्पनवर ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಶೋಭಳಿಗೂ, ದಿವಂಗತ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಲರಾಮಗೂ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಫಲತಾಂಬೂಲ ಸ್ವೀಕಾರ. ನೈನಿ ತುಂಬ ಜಾ. भांजे, दाढ़ी बना रहे हो? नहीं, खाना खा रहा हूँ। वैसे सीतापुर से एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़की को भी देखा है मैंने, लड़की तो बहुत ही सुंदर है। इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हो मामा? क्यों मामा जी, पहली मामी के गुजर जाने के बाद भी आप बिल्कुल नहीं सुधरे, और अब तो तीसरी मामी भी गुजर गई, अब तो सुधर जाइए मामा जी। अरे इस उम्र में मैं क्या शादी करूंगा, लड़की देख रहा हूँ भांजे के लिए। गांव में सभी की शादी करवानी इन्हें पता है, किसका घर बसाना है वो भी अच्छी तरह से पता है, अन्नदान करना ये भी पता है, मंदिर को मस्जिद को गरीबों को दान देना पता है। इनको एक पत्नी की जरूरत है, ये बात इनको आज तक पता नहीं है। देखिए, शादी खानदान परंपरा कहकर ऐसी बेवजह बातें मुझसे मत कीजिए। मेरे सुख के लिए मैं शादी करके अपनी पत्नी और बच्चों से सेवा कराऊं, ऐसी स्वार्थ की जिंदगी मुझे पसंद नहीं। मेरे साथ कुछ लोगों को खाना खिलाकर मेरी माँ सबकी माँ बनी है। सुख दुख में मैं सबका साथ देता हूँ, इसलिए मैं सबका भाई हूँ। इतने लोगों से मिलने वाले सुख से बढ़कर मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए। अब इस बारे में और बात मत करना। शादी करने के बाद भी जनसेवा कर सकते हैं ना मामा? शादीशुदा लोग नौकरी भी कर रहे हैं और दूसरा काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तीन चार शादी करने के बाद भी जन नायक लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं क्या? लोगों के खातिर शादी से मना करने वाले, मुझे तो लगता है आप अकेले हैं। ओहो, मैं कब से सुन रहा हूँ कि आप बस शादीशुदा लोगों की बात कर रहे हैं। अरे कुंवारे लोगों ने भी समाज की बहुत सेवा की और बहुत नाम कमाया है, जैसे कि भीष्म पितामह, चाणक्य, इन सभी लोगों ने शादी नहीं की मगर खूब जनसेवा करके नाम कमाया है। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री बिना शादी के खूब जनसेवा कर रहे हैं। शाबाश बाबू, समझाओ इन्हें। किसी भी तरह से शादी के लिए मना रहा था मैं, दूसरों को उदाहरण देकर मेरा काम बिगाड़ दिया। अरे, क्या हो रहा है सब? क्यों मार रहे हो? इसने किया क्या है? कुछ भी करके भांजों को शादी के लिए मना रहा था, लेकिन पुरानी कहानी सुनाकर इसने तो। शादी तो भगवान की मर्जी से होती है, पता नहीं उसके जीवन साथी कहाँ होगी, उसकी होने वाली पत्नी कहाँ है भगवान ही जाने। जब ऊपर वाले की मर्जी हो तब हो जाएगी। हाँ, वो देख रहे हो सामने? अच्छा वो? वो जो वहाँ पड़ा ना। नमस्ते। नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक हूँ भैया, आपकी दया से इसने पढ़ाई भी पूरी कर ली और टीचर भी बन गई। मिठाई लीजिए। आपको नौकरी मिली, ये खुशी की बात है। कौन से गांव में टीचर है? इसी गांव में। ये तो खुशी की बात है, हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, यही मेरी तमन्ना है। मैं भी यही चाहती हूँ, लीजिए। थैंक्स। कितनी बार माफ करूं तुझे, मेरी माफी को नजरअंदाज कर रहा है तू। कौन है वो चार लोग? इन 48 गांव में मुझे दारू की दुकान नहीं चाहिए, यहाँ शराब की कोई दुकान नहीं होगी, ये फैसला किया था ना, तो ये दारू की भट्टी कैसे चला रहा है?
और तुम सब लोग दारू पीकर आ रहे हो। मैं अभी तक चुप था, लेकिन अब चुप नहीं बैठूंगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम जैसे लोग पीते हो तभी वो शराब बेचता है। दिन में कितना कमा लेते हो? 300 रुपए। और दारू में कितना खर्च करते हो? 150 रुपए। और 150 रुपए में तुम्हारी पत्नी और बच्चों को जीना होगा। वहां देखो, कल रात तुम दारू पीकर आए और तुमको तड़पता बिलकता देखकर इनको लगा इनका पति मर जाएगा, इसलिए पूरी रात जगकर आंसू बहाकर सुबह तक कितना दुख उठाया होगा इन्होंने। इतनी अच्छी पत्नी छोड़कर शराब पीने जाते हो तुम लोग? क्यों चाचा, आपकी जवान चार बेटियां हैं ना, उनके भविष्य के बारे में तो सोचो। शाम होते ही पीने के बारे में सोचने लगते हो, क्या आपको ये सही लगता है? ये कच्ची दारू पीकर न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? राय साहब मुझे माफ कर दीजिए। राय साहब मुझे माफ। ये क्या कर रहे हैं चाचा, पांव छूकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मालिक मैं कसम खाता हूँ, भट्टी वाली दारू कभी नहीं पीऊंगा, कसम खाता हूँ, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो। देखा, ये सब बातें सुन रहे हो तुम, फिर भी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? बेटा, किसी के आत्मसम्मान की परवाह न करने वालों को कभी भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। अब तुम इसे ऐसी सजा दो ताकि ये मिसाल बन जाए, जिससे दारू बनाने बेचने और पीने की बात कोई सपने में भी ना सोचे। इस आदमी का सर मुंडवाकर गांव से बाहर निकाल दो। आज से हमारे 48 गांव में दोबारा अपनी ये शक्ल मत दिखाना। अभी मैं कभी दारू नहीं बेचूंगा, अभी मैं कभी दारू नहीं बेचूंगा। चंदन को खेत में पानी छोड़ने को कहा था, पता नहीं कहां गया। अरे छोड़ो ना, अरे थोड़ा रुको ना, जाने दो ना। घर में जब देखो माँ बाप का डर लगा रहता है। राय साहब ने पंप हाउस हमारे लिए ही बनवा रखा है। जाकर मोटर ऑन करो। जी जाओ। गिरिराज। अरे मालिक, आप यहाँ पर कैसे? मुझे बुला लिया होता आपने। बिठाने के लिए कुर्सी नहीं है मालिक। कोई बात नहीं, आप जमीन पर क्यों बैठ गए? मैं कोई आसमान से उतरा नहीं हूँ, इसी मिट्टी में जन्म लिया है। ये बताओ, घर में कितने लोग हैं? मैं और मेरी पत्नी और बेटा। अभी मेरे बेटे की शादी हुई है, उसकी पत्नी भी है। चारों यहीं सोते हो? मैं और मेरी पत्नी इस कोने में सो जाते हैं मालिक, और बेटा और बहू उस कोने में सो जाते हैं। हाँ तो कल से आपके बेटे को घर से बाहर निकाल दो। मालिक, उसने कोई गलती की क्या? उसने कोई गलती नहीं की, गलती तो आपकी है। नए शादीशुदा जोड़े को एकांत में छोड़ना चाहिए, पता नहीं है? पता है मालिक, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे इस घर में जगह बहुत कम है मालिक। थोड़ा और मेहनत करके कमाऊंगा तो दूसरा घर बना लूंगा मालिक। जब तक तुम कमा कर घर बनाओगे तब तक वो बूढ़े होकर किसी कोने में बैठे होंगे। जल्द से जल्द घर बनवाओ। लेकिन मालिक, पहले से ही आपका बहुत उधार चढ़ा है, और फिर से ही उधारी। उधार से बड़ा मान होता है, जल्दी घर बनाओ। ठीक है मालिक। पंप हाउस सिर्फ पंप हाउस के लिए है, कुछ समझे? समझ गए ना? Thank you.
क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर क्यों बैठ गए बाबू? ये सब तुम जानते नहीं हो, हमारे लोग क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, ये जानना जरूरी है। ओहो हो, आपका दिया हुआ अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही पता लगा रहे हैं ना? कैसा है? इसीलिए तो कहते हैं गरीबों का खाना अच्छा होता है, अमीरों का घर अच्छा होता है। मालिक, गरीबों का खाना चुरा कर खा रहे हैं, ये तो बासी है। ऐसा मत कहो, बासी खाने का मजा ही कुछ और है, चुरा कर खाने में बहुत मजा आता है। इतना बढ़िया खाना क्या कहने, रोज खिलाना, तुम पैसे चाहे लेना, हम सब मिलके खाएंगे खाना, रोज खिलाना, तुम पैसे चाहे लेना, मोटे होंगे खाना खा खा के, जिएंगे हम तो मजा लेके। इतना बढ़िया खाना क्या कहने, रोज खिलाना, तुम पैसे चाहे लेना, हाँ रोज खिलाना, तुम पैसे चाहे लेना। को थोड़ा थोड़ा इस खुशबू ने आज तो पागल सा कर दिया, भूख बढ़ा दी है, ये दे दो हमको, खुद ही दे दो, क्यों दिल ये मचले, कसम से ये खुशबू, ये खाना मिलके सब खाए। तुम बड़े लोगों को रूखा सूखा ना चले, प्यार से जो दे दो स्वाद उसमें ही मिले, देख लो ना हम सब मिलके खाए, मस्ती में पिए, मस्ती में जिए, मस्ती में साथ साथ ही जीना है हमें, हाँ। इतना बढ़िया खाना क्या कहने, रोज खिलाना, तुम पैसे चाहे लेना, हाँ रोज खिलाना, तुम पैसे चाहे लेना। हाथी वो शबरी बेर जूठ कर डाले, फिर भी तो राम कुछ ना बोले थे, बोले खाए बेर सभी। जब द्रौपदी का हुआ था चीर हरण, तब कैसे कृष्ण ने तब उसकी लाज रखी, ऐसा खेल किया। अपना खाना खाके उंगलियां सब चाटे, बात सच्ची है ये, हम भी ये कहते हैं,
आया मजा, कब से था हमें इंतजार ये रोजगार मिले जिंदगी खिले, इतना बढ़िया खाना क्या कहने, रोज खिलाना तुम पैसे चाह लेना, रोज खिलाना तुम पैसे चाह लेना। इस मिल का उद्घाटन आप कीजिए। मैं करूं? राय साहब, मैं चाहता हूं ये उद्घाटन आप करें, और ये मेरी दिली तमन्ना भी है। इस मिल को बनाने में मेरा हाथ नहीं है, आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है। आपकी बनाई इस मिल को देखकर ज्यादा खुश होने वाले आपके पिताजी हैं। बच्चों के भविष्य के बारे में सुंदर सलोने सपने देखते हैं, वो सपना जब सच होता है माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। इसलिए इस उद्घाटन का सौभाग्य आपको मिलना चाहिए, तभी मुझे खुशी होगी। आगे आइए। क्या हुआ, बिना बात किए चुपचाप गाड़ी चला रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ, क्या बात करूं, फालतू में गए अब वापस आ रहे हैं, वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, उस कॉन्वेंट बच्चे के यूनिफॉर्म भेजने को कहा था, क्या हुआ? आप बात को बदलिए मत, बात मत बदलिए मालिक। तुम्हारा मतलब क्या है? 40 गांवों को पार करके हम फीता काटने के लिए गए थे, और आपने उस अशोक से फीता कटवा दिया मालिक। अगर फीता अशोक से ही कटवाना था तो पहले बोल देते, हम इतना दूर जाते ही नहीं, हमारा पेट्रोल बचता और समय भी बच जाता मालिक। ऐसा नहीं कहते बाबू। आप तो कुछ बोलिए मत मालिक, आपको फीता काटते हुए देखने के लिए मैं कितना उत्सुक था मालिक। बड़े काम बड़े लोगों को ही करना चाहिए, आपको उतना दूर इसीलिए बुलाया गया था। जीप रोको। हाँ, मैंने कहा जीप रोको। अरे कहाँ जा रहे हैं, लगता बुरा मान गए। मालिक, अरे मालिक, मालिक सुनिए सुनिए, देखिए अनजाने में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मालिक मैं तो आपको बस फीता काटने के लिए बोल रहा था। हाँ मालिक, बहुत बड़ी गलती होगी, दोबारा नहीं करूंगा, मैं अपनी चप्पल से खुद को मारूंगा, ये लीजिए। अरे रुको गधे, मैं जीप से इसलिए उतरा क्योंकि यहाँ बाजार लगा हुआ है, अच्छा तरबूज मिलेगा, माँ को तरबूज बहुत पसंद है ना, इसलिए लेकर चलते हैं। ए, क्यों हंस रहे हो? अरे मालिक, हमें यहाँ से तरबूज वहाँ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक हुक्म कीजिएगा, घर के सामने तरबूजों के ढेर लगा दूंगा मैं। फिर वहाँ तो हमसे कोई पैसा नहीं लेगा ना? नहीं लेगा, भगवान के सामने तो लोग खुशी से प्रसाद चढ़ाते हैं ना। देखो हम लोगों को हर कोई जानता है, पैसे देकर ही फल लेंगे, आओ। ठीक है ठीक है, आप तो सिर्फ देना ही जानते हैं, लेना तो आपने कभी सीखा ही नहीं, मैं भूल गया था। ये कितने का दिया? 10 का 2 है बहन जी। हाँ? 10 का 2। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप, थोड़ा तो कम कीजिए। हो रे हो, गलगल गलगल गल नाग राजा, गिली 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 नाग राजा, सब ताली बजाओ। अरे जोर से ताली बजाओ। हे जंतर में मंतर, इटली में सांबर, सांप और नेवली की होगी लड़ाई, ये लड़ाई देख के हम भाई। हे जोर से ताली बजाओ। अरे बजाओ ताली। एक मिनट साहब, एक मिनट। हाँ इधर देखो साहब, इसके अंदर एक काला नाग है। काला नाग मतलब कोबरा है। जैसे सांप दिखाऊंगा, सांप दिखाऊंगा बोल रहा है, जो भी दिखाना है जल्दी दिखाना। अरे साहब आपको दिखाने के लिए आए, छुप रही है। देखो बहनों, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, जवान लोग, जो लोग डरते हैं वो पीछे हट जाएं, क्योंकि इसके अंदर नागराज है। जोर से ताली बजाओ। अरे बजाओ ताली। देखो बहनों, अब नागराज बाहर आने वाला है। भैया अबे चुप बे, देखो माँ जी आप सबका भला होगा। सुनो तो भैया। अबे चुप बे, देखिए अब आप लोग नागराज के दर्शन कीजिए। क्या लगा रखा है ये? हाँ, देखो भाई लोग, अब इसके अंदर से नागराज बाहर आएगा।
बजाओ जोर से ताली बजाओ। खाली टोकरी दिखाकर हम लोग को बेवकूफ बनाता है। चलो भाई चलो 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 चलो। भैया अरे शैतान के बच्चे, इसके अंदर का नाक कहाँ गया रे? तभी भैया जब हम होटल में बैठकर इडली खा रहे थे तभी से भाग गया था भैया। अरे लो, वो तो नया सांप था, उसका दांत भी नहीं निकाला था, जिसको भी काटेगा वो मर ही जाएगा। हाय अल्लाह, नागराजा किधर गया रे? अच्छी नहीं है ये, देखना मैचिंग चाहिए। अच्छा ये देख रामू जी। क्यों मैडम जी, कंगन खरीद लिया? नहीं रामू जी, मुझे मैचिंग ही नहीं मिल रहा। अच्छा ये ले। ये कैसा है? ये तो, ये देखो ये तो, अरे वो रही। अच्छा अरे जल्दी चलते हैं। इसका कुछ कम लगाइए ना, 200 रुपए बहुत ज्यादा हो जाता है भाई साहब। माँ पैसे दे दो। वहां देखो लड़की बहुत सुंदर है, नीचे देखो। अच्छा है ना माँ? चलो जान तो बच गई। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे मालिक को मारा। रुक जाओ, इतने सारे लोगों के सामने मेरी प्यारी सी बेटी को नीचे गिरा दिया, बदतमीजी से पेश आ रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? मुझे गलत मत समझिए, मैं इन्हें सांप से बचा रहा था। कहाँ है सांप? अरे वो देखिए वहाँ पर माँ जी। लेकिन वहाँ पे तो कोई सांप नहीं है, इतने सारे लोगों के बीच सांप कहाँ से आएगा? अकेली लड़की को देखकर जोश चढ़ाए क्या? तुम जैसे लोगों की तो धुलाई होनी चाहिए। बुढ़िया, अगर एक शब्द भी मेरे मालिक के बारे में बोला तो मुझसे बुरा। चुप हो जाओ माँ जी, मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ सच में एक सांप था। मैंने सोचा अगर मैं चिल्लाऊंगा तो वो आपको काट लेगा, इसलिए आपका हाथ पकड़कर खींच लिया। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। क्या किया इसने? इसने हमारी लक्ष्मी के साथ बदतमीजी की है और आप कहानी सुना रहा है। सांप था काट लेता, इसलिए मैंने धक्का मारा। ए, कौन हो तुम और कहाँ से हो? लड़कियों को छेड़ता है तू, बड़ा ही घटिया इंसान है तू। मालिक को छोड़ दो। बांध दो इसको। लाइजर मेरे मालिक को मत मारो, मेरे मालिक को मत मारो। भगवान भगवान के लिए मुझे मत मारो, उन्हें कुछ नहीं किया। और मारो। बस करिए, नहीं तो मर जाएगा ये। फिर कभी इस गांव में कदम रखा ना तो जान से मार दूंगा, खबरदार। ए, चलो यहाँ से। चलो रे। के लिए दुख भी सहे,
के राह पे आगे बढ़े चले। जख्म दिए जग ने हमें, न्याय के लिए दुनिया से हम लड़े। क्या खता हुई ये पता नहीं, सच्चे लोग मर मिटे, मर मिटे, मर मिटे, मर मिटे। सब के लिए दुख भी सहे, सच के राह पे आगे बढ़े चले। मालिक, इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है, सब राक्षस है। इतना कुछ हो रहा था, आप चुपचाप क्यों खड़े रहे? उन लोगों के तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। आप कहे तो मैं उन सबको। बाबू, अनजाने में हुई गलती को माफ कर देना चाहिए। दुश्मनी करके कुछ नहीं होगा। हमने जो किया वो उनके लिए गलत होगा, इसलिए सच का पता चलने के बाद वही हमसे माफी मांगेंगे। ये सब आप क्या कहते हैं मालिक? चलो चुपचाप चलो। राय साहब, क्या है ये सब आपके चेहरे पर, ये खून? वो क्या है कि क्या हुआ राय साहब, बताइए ना। अरे साहब, अब क्या बताऊं मैं आपको, ये कोई गांव है? रखू, इस गांव में इंसानियत की कोई कदर नहीं है साहब। भला करने वाले को बांध कर मारते हैं, तुम देख लेना, इन सब का नाश होगा नाश। बाबू, मुझे बोलने दीजिए मालिक। चुप रहो। कुछ भी नहीं, बाजार गए थे, एक लड़की के पास सांप को देखा। उस सांप से बचाने के लिए मैंने उस लड़की का हाथ खींचा, सांप तो चला गया। लोगों ने गलत समझकर हमें, चलिए जाने दीजिए, आप जाइए। ये गांव वाले आपके बारे में कुछ नहीं जानते राय साहब। बताइए राय साहब, बताइए। शिवराम जी, सब अनजाने में हुआ था, मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, और आपसे भी मेरी विनती है, जो हुआ सब भूल जाइए। लगता है हमने गलती कर दी है ना? वादा करो, ये जो कुछ भी हुआ किसी को पता नहीं लगना चाहिए, तुम ये किसी को नहीं बताओगे। वादा नहीं कर सकता। 48 गांवों के गरीबों को खाना खिलाने वाले अन्नदाता हैं आप, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एकमात्र योद्धा हैं आप, गरीबों के लिए मसीहा हैं आप। आप जैसे इंसान पर उन लोगों ने हाथ उठाया, मालिक मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। ए पागल, तुम तो मेरे अपने हो, तुम अगर ये नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? नहीं कर सकता। देखो, तुम मेरी इज्जत करते हो, मेरी बात मानते हो, ये बात किसी को नहीं बताओगे। वादा करो, वादा करो, वादा करो। ए ए, भांजे, ये कैसा घाव है, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? पता ही नहीं राय साहब, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे अरे, क्या हुआ बेटा, ये घाव कैसा? कुछ नहीं हुआ माँ, आप घबराओ मत। अरे कैसे घबराओ नहीं, सर पे इतनी बड़ी पट्टी बांधी है। ए बाबू, क्या हुआ इसे? मैं कह रहा हूँ ना माँ, कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। एक्सीडेंट हुआ? आंखें बंद करके चला रहा था क्या? ये जीप में बैठे हैं जानते हुए ठीक से गाड़ी नहीं चला सकता क्या? अरे उसे क्यों मार रहे हो, जीप चलाने वाला मैं था। ए राय साहब, जीप चला रहे थे, तुमने इन्हें जीप चलाने क्यों दी? उसने मना किया था, मैंने जबरदस्ती गाड़ी चलाई। पर तूने गाड़ी क्यों चलाई? भगवान की दया से तुझे बड़ी चोट नहीं आई। माँ, मुझे एक बस छोटा सा घाव ही तो हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है और पट्टी भी लगा दी, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, सब लोग अपने काम पे लग जाओ। चलो। अच्छा ये बताओ, राय साहब को इतनी चोट लगी और तुझे एक खरोच भी नहीं लगी, ये कुछ अजीब नहीं है? क्यों नहीं लगा, लगा था, एक झापड़ तो।
अरे मोटू आया सेठ जी, बाजार से 5 लीटर दूध लाने को कहा था, ले आया है ना? ले आया ना सेठ जी। जल्दी निकाल, गरम करना है। देख बाबू आ गया है, सबसे पहले चाय निकाल करके उसी को दे, नहीं तो फालतू में हम सबका दिमाग खाएगा। हाँ ठीक है बाबू, आज 2 चाय पे 1 चाय फ्री नहीं मिलेगी, ये लो चाय। पी ले चाय। ओए, क्या हम पैसे नहीं देते, पत्थर देते हैं क्या? पहले यहाँ हम आए हैं और चाय इसे पिला रहे हो तुम, ये कोई सेठ है क्या? रुक जाओ भाई, तुम्हें भी चाय पिलाता हूँ। हाँ। भैया देखो ना, ये हम दोनों को घूर रहा है। तू चुपचाप चाय पी। हाँ। भैया देखो ना, ये फिर से घूर रहा है। हमारे राय साहब को जीप में बिठाया था या एरोप्लेन में बिठाया था? देखना राय साहब को कितनी चोट लगी है। दोबारा अगर तूने घूरा ना तो तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। भैया फिर से घूरा भैया। अगर फिर से कुछ बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा। तूने मुझे समझ क्या रखा है? तू मुझे गाली देगा और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक महात्मा है, मैं नहीं हूँ। अगर दोबारा कुछ बोला तो छोड़ूंगा नहीं। हमारे राय साहब को मारा? हाँ, लोगों ने उन्हें मारा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हम लोग बसंतपुर के बाजार में गए थे, वहाँ लोगों ने घेर कर मेरे मालिक को बहुत मारा, मेरे भगवान को मारा, मेरे भगवान को मारा, और मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। उन लोगों ने मेरे मालिक को पेड़ से बांध कर मारा। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरे मालिक को मारा है। मेरे मालिक पर हाथ जाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीरभद्र जी, सुनिए वीरभद्र जी। ओह आइए आइए शिवराम जी, आइए, अच्छे समय पर आए हैं, वर के पूजा की तैयारियां हो रही है, आके आशीर्वाद दीजिए, आइए। आप मेरे आशीर्वाद को छोड़िए, पहले जाकर आप उस महापुरुष का आशीर्वाद लीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपकी गलतफहमी से, बाजार में मार खाए हुए सूर्य साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। रामपुर के मंडल अध्यक्ष सूर्य साहब जी? जी हाँ साहब, वही। अरे अरे, कितना बड़ा अनर्थ हो गया आप लोगों से। उस गांव में उन्हें नहीं जानने वाला कोई नहीं है, उनसे मदद नहीं मांगने वाला कोई भी इंसान नहीं है। पूरे क्षेत्र में उनकी महानता के कारण लोगों ने उनकी प्रतिमा बनाई है, और जिस इंसान की सभी लोग पूजा करते हैं वो है सूर्य राय साहब। मामा जी, वो सूर्य राय साहब थे? हमें से किसी को पता नहीं था इतना महान इंसान गांव के बाजार में आया था, विश्वास ही नहीं होता। यही तो उनका बड़प्पन है, आप लोगों के हाथों से बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। अगर ये बात उनके गांव वालों को पता चली तो इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस गलती के लिए मैं ही जाकर उनसे माफी मांगूंगा। मामा, गलत हुआ तो हम सर काट देते हैं, लेकिन यहाँ तो गलती हमसे हुई है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं जाकर माफी मांगता हूँ। नहीं भीमा, इस गांव का जमींदार हूँ मैं, फिर भी मैंने उनका अपमान किया, मैं खुद जाके उनसे माफी मांग के उन्हें शादी में बुलाऊंगा। सुनो बेटा, कल सुबह ही तुम्हारी शादी है, इतनी रात को वहाँ जाना ठीक नहीं है। नहीं मामा, मैं अभी जाके उस महात्मा से माफी मांग लेता हूँ, मैं चलता हूँ। सूर्या जी, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। सूर्या जी हैं? मेरे बेटे को नाम से बुला रहे हो, मतलब लगता है तुम इस गांव के नहीं हो, कौन हो तुम बेटा? मेरा नाम बलराम है, मैं बसंतपुर गांव से हूँ। अंदर आओ बेटा, आओ बेटा। बैठ जाओ। ठीक है माँ जी। क्या काम था बेटा? मैं सूर्या जी से मिलना चाहता हूँ। जीप के एक्सीडेंट की वजह से उसे ज्यादा चोट लगी है बेटा,
तुम सुबह आके मिल लेना। वो क्या एक्सीडेंट नहीं हुआ था माँ जी, वो हमारे गांव की लड़की को छेड़ रहे हैं ऐसा हमने सोचा, इसीलिए हम लोगों ने मारा। क्या कहा? किस पर हाथ उठाया तुमने? हाँ, मेरे बेटे को क्या समझ के रखा है तूने? क्यों मारा मेरे बेटे को तूने? मेरे बेटे की आंखों से आंसू आते हैं तो उसे पोंछने के लिए पूरा गांव खड़ा हो जाता है, और जब गांव वालों को दुखी देखता है तो वो उनके आंसू पोंछता है। ऐसे इंसान को मारा तूने, ऐसे इंसान को मारा तूने, पापी पापी। जब अगल बगल के गाँव में कुछ भी गलत होता है तो मेरा बेटा ही फैसला करता है। तूने इतने महान इंसान को मारा, क्यों मारा, क्यों मारा मेरे बेटे को, क्यों मारा तुमने? मैंने अपने बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाया और आज तुमने उसका खून बहाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मार डालूंगी, मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। अरे माँ जी, माँ जी, मेरी बात तो सुनिए माँ जी। अरे माँ, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे माँ जी, मार डालूंगी। इसने मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। अरे क्या कर रहे हैं, उठिए, उठिए, उठिए। आपसे अनजाने में गलती हुई है मुझे पता है, अपनी गलती को स्वीकार कर पश्चाताप करने वाले से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन हमारे गांव के लोग ये सोच के बहुत डर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी को पता नहीं है, आपकी वजह से माँ को पता चला है बस। काफी रात हो गई, आइए खाना खा के सुबह चले जाइएगा। नहीं, कल सुबह मेरी शादी है, मुझे जाना ही होगा। मुझे अगर माफ किया है तो मेरी शादी में आके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओह, इस हालत में मेरा आना ठीक नहीं रहेगा, थोड़े दिन बाद तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। लड़की कौन है? हमारे गांव की है। अच्छी बात है, एक मिनट अभी आता हूं। ये लीजिए, मेरी बहन की शादी के लिए मेरी तरफ से तोहफा। चांदी की प्लेट? जी हाँ, चांदी प्रकाश का प्रतीक है, आपकी जिंदगी में प्रकाश हो यही मेरी इच्छा है। मैं चलता हूँ, चलता हूँ माँ जी। क्यों बेटा, मुझसे झूठ कहा ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? माँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, ये बात मैं अगर आपको बताता तो चार लोगों को और पता चलता, चार लोगों से पूरे गांव को पता चलता, बाद में पूरा गांव जल के राख हो जाता, इसलिए नहीं बताया। यही है वो जिसने मालिक को थप्पड़ मारा था, चलो। ए, तू ही है ना उस दिन हमारे मालिक को थप्पड़ मारने वाली औरत, तू बचेगी नहीं, बचेगी नहीं। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल वरना मार दूंगा, तोड़ दे दरवाजा, आओ निकल। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आग लगी है, अब क्या करें? मां तो रुको, नहीं खोलेगी ना, अब देख क्या करता हूँ मैं। ए, जला दो इसे, जला दो, लगा दो आग इसे। ओला दो, ऊपर ले जाओ इसे। Come on!
वरना सब कुछ जला दूंगा। मेरी बेटी को कुछ मत करना। नहीं, 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 नहीं पता। नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? हर काम मुझसे पूछकर करते थे तो फिर ऐसा क्यों किया? आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए। हाँ, ये जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता चला। मेरे गांव के लोग मुझे बिना बताए। हम लोग यहाँ पर आए हैं आपसे पूछताछ करने के लिए नहीं, आपको सिक्योरिटी देने आए हैं। उस गांव में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। कुछ लोगों की हालत बहुत सीरियस है राय साहब। सर, उस गांव के खेत खलियान पूरी तरह से जल चुके हैं। इतने लोगों की मौत हो गई। सर,
मुझे अभी जाना होगा। आप वहाँ पर बिल्कुल मत जाइए, वहाँ का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। कुछ दिन रुक जाइए फिर चले जाइएगा। पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। बेटा सूर्या, ये सब लोग कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। दीदी तुम घबराओ मत, वो हमारे गांव के एमएलए हैं। नमस्कार, आइए बैठिए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर ये सब प्रेस वाले हैं, सीएम साहब ने भी मुझे सुबह ही फोन किया था, डीसी साहब ने आपको इस बारे में बताया ही होगा। देखिए आप पत्रिका में कुछ मत लिखिएगा। अगर हम पत्रिका में कुछ नहीं लिखेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा मतलब वो नहीं है, गांव का सवाल देश का सवाल नहीं होना चाहिए। आपके पेपर में इस खबर को राजनीति नक्सलवादी की दुश्मनी बताकर लिखेंगे तो हमारे गांव में झगड़े को बढ़ावा मिलेगा, बाद में माहौल और बिगड़ सकता है। सर इससे आपको कुछ नहीं होगा, मैं इन्हें समझा कर लाया हूँ। राय साहब आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे ये। आप हम पर विश्वास करिए राय साहब। आप अगर सच में मेरी इज्जत करते हैं तो मेहरबानी करके चले जाइए, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आज के बाद कोई झगड़ा नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। आपसे विनती है जाइए जाइए। नमस्ते। नमस्ते। इंसान हो या जानवर, बिना कुछ जाने पूरा गांव जलाकर आ गए तुम लोग। किसने कहा था वहां जाने के लिए? उसी के कारण ये सब हुआ है। कहां है वो बाबू, कहां है? उसे कह देना मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। उस गांव का आदमी मेरे गांव आकर मेरे पैर पकड़कर माफी तक मांगी उसने, और मैंने उसे कहा कुछ नहीं होगा। अब बताओ क्या जवाब दूं उसे? कैसा अनर्थ हो गया। Hey, मार खाने वाला मैं था, अपमान तो मेरा हुआ था, मुझे मारा था। आपका अपमान हुआ मतलब हम सबका अपमान हुआ मालिक। अरे पागल, मुझे घाव है तो तुम दवा लगाओगे, मुझे भूख लगी तो तुम खाना खाओगे। मैंने आज तक शादी नहीं की, आप सभी को अपना भाई बहन समझा, अपना रिश्तेदार समझा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है सोचकर गर्व होता था। लेकिन आज आप सब ने मिलकर मेरी अच्छाई का सर्वनाश कर दिया। ए, इंसान का जन्म किसी का उपकार करने के लिए हुआ है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। इतने लोगों को जिंदा जलाकर आए हो ना, तुम में से खड़े यहां किसी को भी जीने का हक नहीं है। तुम भी वहां गए थे क्या? हाँ। तुमने कितने घर जलाए? दो घर जलाए। दूध के दांत टूटे नहीं और आग लगाना सीख लिया, बड़ा होकर हत्यारा बनेगा क्या? तेरे जैसे लोग रहेंगे तो देश का भला कभी नहीं हो सकता। राय साहब आप हम सबके भगवान हैं, मालिक पूरा गांव आपके लिए जान भी दे सकता है। हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं राय साहब। नहीं, आप लोग मुझसे प्यार मत करो, तुम जैसे हत्यारे लोगों का प्यार मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्यार चाहिए, ममता चाहिए, शांति चाहिए। अगर वो सब आप मुझे नहीं दे सकते तो आप अपने घर में जाइए, मैं अपने घर में। आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, ना ही मैं आपके लिए कुछ करूंगा। आज से आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, जाओ। सभी से कह रहा हूं, आप सभी से कह रहा हूं, वो आएंगे मुझे मारेंगे, मेरी जान लेंगे, मेरे घर को जलाकर राख कर देंगे, तो भी तुम लोग मत आना। अगर कोई आया तो मैं अपनी जान खुद ले लूंगा। मुझे माफ करने का नाटक करके मुझे आगे भेज के मेरे साथ धोखा किया है तुमने। चांदी का तोहफा पाके मैंने ये समझा तुम नेक इंसान हो, तुम्हारे दिल को सोना समझा, लेकिन मेरी बहन कह के मेरी पत्नी का भाई बन के मुझे आगे भेज के मेरे गांव को तूने जलाने के लिए इन लोगों को भेजा। तू इंसान है,
तू इंसान है क्या? तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूँ, सच कह रहा हूँ, ये सब मेरे बिना जाने हो गया बलराम, मुझ पर भरोसा करो। झूठ है, तू जो बोल रहा है झूठ है। इस गांव में तेरे इशारे के बिना एक चींटी भी नहीं हिलती है, मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे अच्छी तरह पता है। बकरा काटने वाले कसाई का एक उसूल होता है, वह उसको पैसा देकर खरीदता है, इसलिए उसका कत्ल करता है। लेकिन तूने किस अधिकार से हमारे गांव वालों का कत्ल किया? बोलो 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 बोलो। युद्ध में हारने वाले हर एक सैनिक को जीतने वाले बंदी बनाते हैं, लेकिन तुम धोखेबाज हो। रात के वक्त आराम से सोए मासूमों को बेरहमी से जलाकर मार दिया। गांव में प्रतिमा किसकी बननी चाहिए? भगवान की, हमारे महात्मा गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस की, स्वामी विवेकानंद की, ऐसे धोखेबाज की नहीं। तेरे जैसे नीच की प्रतिमा बनाई ऐसे पागलों को हाथू। जाओ, जब मैं गांव में नहीं था तो हमारे गांव को जला दिया। तुम में से कोई मर्द का बच्चा है तो सामने आओ, आ जाओ, हिम्मत है तो। मैं यहां बातें करने नहीं आया हूं, तुम्हारा और तुम्हारे गांव का सर्वनाश करने आया हूं। सर्वनाश कर दूंगा, हाँ सर्वनाश कर दूंगा। हाँ ये क्या है जानता है? तू नहीं जानता, अस्थियां हैं मेरे गांव वालों की अस्थियां। सातों जन्म मेरे साथ जीने मरने के सपने देखती थी ना, उसकी अस्थियां। आज से मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। खून का बदला खून, वार पे वार, मौत का बदला मौत। इस तेरे गांव को तेरी आंखों के सामने शमशान बना दूंगा, बाद में मैं तुझे मारूंगा। हाँ ये सच है, यही सच है, यही सच है। रुको रुको, मैंने हर बार कहा था कि इस मूर्ति को यहां पर मत रखो, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब तुम्हारी मर्जी थी इसलिए हुआ, लेकिन ये उसको पसंद नहीं आया इसलिए तोड़कर चला गया। देखिए, आपके आगे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, दया करके मुझे, मेरी जिंदगी को दोबारा इस तरह अपमानित मत करिए। एक बात और, अगर आप सभी लोग मेरी इज्जत करते हैं तो फिर कभी इस मूर्ति को मत बनवाना, कभी मत बनवाना। Thank you.
पीछे से आकर मुझ पर वार मत करो। अगर मुझे मारकर तुम्हारा खोया हुआ तुम्हें मिलने वाला है तो सामने आकर मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। देखिए, मैं आपके नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकता, मैं जानता हूं, फिर भी आप सबकी कुछ मदद करने के लिए आया हूं। ये मेरी तरफ से छोटी सी मदद। नहीं चाहिए तेरा पैसा, ले जा। तुझे जो करना था वो कर दिया और अब पैसा देकर हमें चुप कराना चाहता है। देख इसको, इसका पैर पूरी तरह जल चुका है। तेरा पैसा इसका पैर वापस दिला सकता है? इसको देख, ये अपनी आंखें खो चुका है। तुम इसे पैसों से आंखें दिला सकते हो? इस बच्चे को देखो, जीवन में क्या क्या सपने देखे होंगे, माँ बाप को खोकर अनाथ हो चुका है। यहाँ कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तुम अपने पैसों से इनका जीवन वापस दिला सकते हो? नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मेरा बलराम जिंदा है, थोड़ी देर और तुम रुके ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। सबकी जो मदद करे, सब उसे गलत कहे, प्यार सबको जो करे, क्यों ठोकरें उसे मिले। लोग हैं जानते इसने भला किया, सबके ही वास्ते ये है जिया मरा। कैसे सच्चे बदनाम हुए, कैसे सबके लिए दुख भी सहे, सच के राह पे आगे बढ़े चले। सूर्या, क्या हुआ बेटा, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है, बताना बेटा। हे भगवान, मेरे बेटे को मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा, कभी इतना दुखी नहीं देखा भगवान। बताना बेटा, अरे क्या हुआ है इसे, बताना मेरे बेटे को क्या हुआ है, क्यों परेशान है। दीदी पूछ रही है, बताता क्यों नहीं, बता, बताना। किसी ने भी राय साहब से पैसे नहीं लिए और सबने भला बुरा कहा इन्हें। भगवान, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे बेटे को ऐसी सजा क्यों मिली। सूर्या, तेरी आंखों में आंसू। नहीं नहीं बेटा, अपने आप को संभाल। माँ, हॉस्पिटल में वो दर्द, वो मौत, वो तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा था माँ, बहुत ही अनर्थ हो गया माँ, बहुत से लोगों को दर्दनाक मौत मिल रही है। किसी ने भी आपसे पैसे नहीं लिए, फिर भी एक लड़की हमारी इज्जत उछाल रही है। कौन हो तुम? इस लड़ाई की असली वजह मैं ही हूं। कह दीजिए आपके गांव वालों को कि मार डाले मुझे। उस दिन बाजार में अगर आप मुझे सांप से नहीं बचाते तो सिर्फ मैं ही अकेले मरती, लेकिन आज मेरी वजह से मेरा पूरा गांव शमशान बन गया है। उस दिन आप मुझे बचाने के लिए आए थे और मैंने आपको थप्पड़ मार दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए आपने मेरे पूरे गांव को ही चला दिया। मेरी माँ भी मर गई, मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया। माँ के बिना तो मैं अनाथ हो गई। सर पर छत के नाम पर आपने तो एक दिन कभी नहीं छोड़ा, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसीलिए गांव वाले मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, और अब मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं। अगर इस गांव की किसी लड़की के साथ ये हुआ होता तो आप कैसे न्याय करते, बताइए।
तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। इतने दिनों तक मैंने शादी नहीं की, मेरा गांव ही मेरा परिवार है, इन लोगों के लिए मैं जी रहा था। आज इनकी गलती की वजह से मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें मैं पसंद तो हूं ना? पूरी हो गई। तुम्हारी इच्छा मेरी आज्ञा है माँ, आपकी इच्छा भगवान ने सुन ली होगी, इसीलिए ये शादी हो गई। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जीजा, हम जीत गए जीजा। लक्ष्मी ने हमारा काम कर दिया, लक्ष्मी ने उस सूर्या से शादी कर ली, अब उसके वंश का सर्वनाश हो जाएगा। जीजा जीजा, इस बारिश में क्यों भीग रहे हो? भीमा, अगर ये बारिश उस दिन आई होती जिस दिन आग लगी थी, तो अपना कोई नहीं मरता, अपना कोई। ये तो राय साहब की आवाज लग रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, सुहागरात में तो लड़की की आवाज आना चाहिए ना। राय साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? नई शादी हुई है ना, सुख दुख तो चलता ही रहेगा। पर कुछ ज्यादा दुख नहीं हो रहा है मामा? अरे दुख के बाद सुख ही मिलता है। अच्छा, ऐसा है। देखो, मुझे मारने के लिए तुम्हें इतनी साजिश करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सीधे मार सकती हो। तुम्हारे गांव के झगड़े में मेरी कोई गलती नहीं है, कितनी बार कह चुका हूं मैं, लेकिन पता नहीं किसी को समझ क्यों नहीं आ रहा है। उस दिन जल्दबाजी में मुझे सभी ने मारा, आज वही पागलपन तुम भी कर रही हो। कहते हैं जल्दबाजी में दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। रो क्यों रही हो? मैं अभी मरा नहीं, इसलिए सोचा था प्यार से तुम मुझे दूध पिलाओगी, लेकिन पत्थर से मारोगे कभी नहीं सोचा था। ये तुम्हारा दिमाग है या किसी और की बताई चाल है? पत्थर की चोट मुझे लगी है, मुझे रोना चाहिए, पत्थर मारकर तुम रो रही हो। बाप रे, आज से बिना डरे सो सकता हूं। सिलबट्टे को सभी रसोई घर में लाके रखते हैं, मेरे मामा जी ने बेडरूम में लाकर रखा था। ला 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 ला।
कॉफी तुम पी लो, मैं जिंदा रहा तो बाद में पी लूंगा। क्या करूं, इसीलिए तो शादी के लिए मना कर रहा था। अरे रे रे बाप रे। अरे भांजे, पैर में चोट लगी है। कैसे लगी? बिस्तर से नीचे गिर गया, चोट लग गई। सचमुच में बिस्तर से गिर के चोट लगी? बिस्तर से गिरने से चोट लगी कह रहे हैं, तो फिर उस पत्थर को बाहर क्यों फेंका? ये मुझे बेड से गिरने वाला घाव तो नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, बेड से कैसे भी गिरेंगे, कोहनी पर, घुटने पर, पीठ पर, सर पर लगेगी, लेकिन पैर पर कैसे लगी? तो फिर कोई बड़ा सा पत्थर किसी ने इनको मारा होगा क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही हुआ होगा। या तो राय साहब ने उस पत्थर को फुटबॉल समझ के जोर से लात मारी होगी। ए, चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, फालतू बकवास करना बंद करो। अच्छा, जब आपको चोट लगी तो पत्नी बगल में नहीं थी? थी ना। वो क्या कर रही थी? और क्या करेगी, रो रही थी। लगता राय साहब को गुस्सा आ गया। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, वो सचमुच रो रही थी। मेरी तकलीफ को देखकर बिना खाए बिना सोए पूरी रात जगकर मेरी सेवा कर रही थी। अब मेरा पैर ठीक करने के लिए भगवान से मन्नत मांगने मंदिर जा रही है। आप ज्यादा हिलिए मत, आप आराम कीजिए, अभी मैं चलता हूँ माँ जी। माफ करना भांजे, आपकी मामी को उस पत्थर से बहुत लगाव था, उसके जाने के बाद भी उसकी याद में मैंने अपने पास रखा था। कहीं दूसरी जगह रखूंगा तो कोई फेंक देगा, इसलिए आपके रूम में रखूंगा तो कोई नहीं आएगा सोच के आपके रूम में रख दिया। आपने गुस्से में आकर उसे फेंक दिया, फिर से आपको परेशानी ना हो इसलिए उसको कोने में रख दिया है। फिर वहीं रख दिया? हाँ भांजे, उस पत्थर में मेरी जान अटकी है। सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, मेरी जान भी उस पत्थर में अटकी है। बाबू यहीं कहीं छिपा होगा। हाँ। उसी के कारण मेरे भांजे का इतना अपमान हुआ। वो कमीना अगर मुझे कहीं मिल गया ना, मैं उसकी टटरी हाँ। बना दूंगा। माफ करना, दिखाई नहीं दिया मुझे। अरे कोई बात नहीं, रेल से धक्का लगे आदमी घायल होता है, लड़की से धक्का लगे तो दिल घायल होता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बिजली। करंट तो नहीं मारती ना? बिजली कहाँ से आई हो? मेरा जन्म हुआ सोलापुर में, मैं रहती हूँ बेलापुर में। इतने सारे पुरे को छोड़कर किस पुरुष को ढूंढी हो? मैं ढूंढने आई हूँ एक सच्चा प्यार करने वाले को। हम दोनों को ठीक से देख लो, सिंगल हो तो भी ठीक है, डबल हो तो भी ठीक है, क्या कहती हो? माफ कीजिए, अभी मेरी लाइन क्लियर नहीं है। मेरा एक लवर है, उससे ना मैं आप दोनों के बारे में बात करूंगी। बात करोगी ना? वैसे भी आपकी बैटरी तो डिस्चार्ज हो चुकी है। और ये मेरे टकला मामा की? ऐसा क्या, जो बड़े हैं वो अच्छे होते हैं, वो ना जैसे बिना पावर के पंप से। ए, कौन है तेरा लवर, पागल कहीं का? अरे गुस्सा मत कीजिए ना, मेरे वो इस गांव में जीप चलाते हैं, ड्राइवर बाबू। देखो उसको भूल जाओ, भूल जाओ, मेरे पास आओ, मेरा पावर कितना है दिखाता हूँ। ऐसा क्या? एक काम कीजिए, इसे खाते रहिए, इसे खाते रहिए, आप भी ना इसे खाते रहिए और लीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अब जो भी हुआ उसको भूल जाओ, अगली बार ऐसा करना एक ही वार में खत्म। कल तुमने उसे खत्म करने की कोशिश की थी ना, उसके लिए तुम उससे माफी मांगने का नाटक करो और दूध में जहर मिला के उसे मार दो। हमारे आंखों के सामने ही तेरी मां, हमारे गांव वाले, मेरी शोभा, इसे कभी मत भूलना। हमारे गांव की आग बुझ गई, लेकिन तुम्हारे दिल में बदले की आग कभी नहीं बुझनी चाहिए। हाँ, जिस दिन तुम उसका अंत करोगी, अपने गांव में तुम्हारा मंदिर बनवाऊंगा और पूजा करूंगा।
बहन क्या कर रही हो? बहन हमारे मालिक से इसीलिए शादी की थी आपने? अपने पति की जान बचाने के लिए कुर्बान होने वाली औरतों को देखा है मैंने, लेकिन अपने घर को उजाड़कर अपने ही पति की मौत चाहने वाली औरत को आज तक नहीं देखा है मैंने। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपके माँ की मौत मेरी ही वजह से हुई है। आपके गाँव वालों ने हमारे राय साहब को बिना कसूर पेड़ से बांध कर मारा और उनका अपमान किया। उन्होंने तो मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मेरे भगवान जैसे मालिक पर हुए इस अत्याचार को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने गांव वालों को बता दिया। आपके गांव में जो कुछ हुआ उसका कारण मैं ही हूं बहन। राय साहब ने गुस्से में आकर मुझे गांव से निकाल दिया, लेकिन मैं क्या करूं बहन? भगवान जैसे इंसान को दिन में एक बार नहीं देखूं तो जी नहीं पाऊंगा। इसीलिए बहन मैं ये औरत का भेष बदल कर इस गांव में घूमता रहता हूं। मैं भगवान को साक्षी मानकर कह रहा हूं, आपके गांव में जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार मैं हूं, राय साहब नहीं है। मेरे मालिक ने आज तक छोटे बड़े अमीर गरीब में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अगर वो ऐसे होते तो आपके साथ कभी शादी करके घर नहीं बसाते। देखिए आपकी जो भी नफरत है वो मुझ पर निकालिए, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे मालिक को कुछ मत कीजिए, उन्हें मत मारिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें माफ कर दीजिए, आपको जो सजा देनी है वो मुझे दीजिए। तो तुम आ गए मेरी जान लेने के लिए? ठीक से देख लो, मैं यहाँ सर रखकर सो रहा हूँ। नींद आने के बाद मेरे खर्राटे लेते समय मुझे एक बार में खत्म कर देना, नहीं तो बाद में लंगड़ा या लूला बनाकर पूरी जिंदगी तड़पना पड़ेगा। दया करके ऐसा काम कभी नहीं करना। हाँ एक और बात, मेरी माँ बहुत अच्छी है, उन्हें कुछ मत करना। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आपके बारे में जाने बिना ही मैंने आपको मारने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। सच कह रही हो या फिर ये भी कोई नाटक है? बिल्कुल नहीं जी, सच क्या है ये मुझे आपके ड्राइवर से पता चला। गुस्से में आकर मैंने अपने सुहाग को ही मारने की कोशिश की। मेरी जैसी बुरी पत्नी और कोई नहीं है, और कोई नहीं है जी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफी है। सुनिए जी, मेरे ऐसे बर्ताव के बाद भी आपने मुझे माफ किया, सिर्फ मुझे ही नहीं ऐसे कई लोगों को माफ किया, वैसे ही अगर आप उसको भी। किसको? मुझे माफ कर दीजिए राय साहब, मैं हूँ बाबू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसीलिए औरत के भेष में घूमता हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुस्से में आकर मैंने आपसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। मालिक मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है माफ किया, जाके काम करो। मालिक मालकिन को एक नारियल पानी पिलाऊं क्या? देखिए मालकिन के आते ही सारे पेड़ कैसे बड़े हो गए और उनमें इतने बड़े बड़े फल लगे हैं। इसके आने के पहले ही पेड़ बड़े हो चुके थे, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, जाके भेष बदल ले। हे अरे जाने जी गए, अरे आप लोग हटिए, अरे बचाओ,
माँ क्यों क्या हुआ बताओ ना। पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो पैर दबा दूँ क्या? नहीं जानू छोड़ो ना। और मैं हाथ दबाऊँ क्या? No thanks dear। कमर दबाऊँ क्या? नहीं मुझे शर्म आती है। मुझे नहीं आती है। तुम कहो तो जी, तुमको शर्म नहीं आती क्या? चुम्मा दे दूंगा तो शर्माना घबराना सब चला जाएगा। ये मेरे टकला मामा चुम्मा दे रहा है और ये यंग हैंडसम देख रहा है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। अरे तू है? देख लिया मैं मर्द हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों के हाथों से मैं बच गया। अगर मैं लड़की होता तो आज तो मैं बर्बाद हो जाता। साड़ी पहनकर हमें बेवकूफ बनाता है तुझे। एक दिन में तेरे को, चल मेरे साथ राय साहब के पास। चलना मैं भी बताता हूँ। क्या तेरी उनसे बोलने की मत है क्या? अरे मालिक ने मुझे कब का माफ कर दिया है। हाँ ऐसा, अब मैं ये सारी बातें मालिक को बताऊंगा। क्या करोगे? मैं कहूंगा कि तुम दोनों शरीफ आदमी नहीं हो। गांव की किसी भी मासूम औरत को तुम लोग अपनी गंदी निगाहों से घूरते रहते हो। चुप। एक ही शर्त पे मैं राय साहब को ये सारी बातें नहीं बताऊंगा कि तुम दोनों आपस में कभी झगड़ा नहीं करोगे। अरे बोल। नहीं करेंगे। नहीं करूंगा। अरे इसकी तो हमें टोपी पहना रहा है। समय आने दो, हम कौन है दिखाएंगे इसे। फिर भी बाबू का फिगर पंपलाट था। सुनिए, आज आप शहर जा रहे हैं ना? हाँ। मेरे लिए कुछ शहर से ले आओगे? पक्का लाओगे? तेरी बात कैसे ठुकरा सकता हूँ, हुकुम करो। मुझे ना अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। तुम जाकर खुद ही ले लो। प्लीज ले आइए। अरे नहीं लक्ष्मी, इतनी सी चीज के लिए मुझे अकेले ही शहर जाना पड़ेगा। मुझे इस सब की आदत नहीं है लक्ष्मी। शादी के बाद तो इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। नहीं लक्ष्मी, तुमने तो आसानी से कह दिया, मैं वहाँ। जी प्लीज ना। ऐसी बात है, ठीक है कोशिश करता हूँ। क्या चाहिए सर? मुझे वो चाहिए। ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसको नहीं पूछ रहा हूँ। जो इस गुड़िया ने पहना है वो चाहिए। ओ ब्रा चाहिए? जोर से मत बोलिए, धीरे से। धीरे से क्यों बोलूँ, चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। साइज बताइए। साइज वो क्या होता है? वही सर, आपके बनियान में 32, 34, 36 का साइज रहता है, वैसे ही ब्रा में होता है। आपको कौन सा चाहिए? एक काम कीजिए, सारे साइज दे दीजिए। क्यों सर, गांव में दुकान खोलने वाले हैं? कुछ ऐसा ही है। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रन आउट होने से बचें। नमस्कार है साहब। ये सब अंदर लेकर जाओ। अच्छा राय साहब, राय साहब, राय साहब, ये क्या मिठाई का डब्बा है? हाँ यही सब, अंदर लेकर जाओ। मिठाई बोले तो रसगुल्ला है, जलेबी है, मैसूर पाक है, बादाम का हलवा है। हाँ हाँ सब अंदर लेकर जाओ। राय साहब वो क्या है?
बादाम खा लुआ है, वो नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने इसे कुत्ते की तरह सुनकर पता लगा लिया है। हमारे राय साहब कुछ भी लाते हैं सबको बांट कर उनके खाने की आदत है। मैं ये सबको बांट कर आता हूँ। ये पैकेट तुम्हारा। ये क्या है? बादाम का हलवा। इसे खाओगे तो जवानी बरकरार रहेगी, ताकत बनी रहेगी और ये नसों की कमजोरी को दूर करने में रामबाण है। सचमुच में? आपकी कसम मामा, आप गबरू जवान बने रहोगे। पैकेट खोलो, खाओ और जवान बन जाओ। पारो तुम मेरे दिल की जानू। ये देखो बादाम का हलवा, इसे खाकर सो जाना। रात को मैं तुम्हारे सपने में जादूगर के अमिताभ बच्चन की तरह उड़ते हुए आऊंगा और फिर तुम मुझे गले लगा लोगी, चुम्मा भी दोगी और तुम बहुत कुछ करोगी ना। बाय बाय, चलता हूँ मैं और दादी रात को मिलता हूँ। दादी तुम्हारे मुंह में दांत बचे हैं क्या? सब उखड़ गए हैं, एकदम बचे हैं। हाँ तो ये लो बिना दांत वालों के लिए बादाम का हलवा। अगर इसे खाओगी तो दादाजी के साथ बिताए हुए हर पल याद आ जाएंगे, समझ गए ना? अच्छा मैं चलता हूँ। माँ जी, शादी हो जाने के बाद कुछ लोग माँ को भूलकर बीबी के गुलाम हो जाते हैं, पर हमारे राय साहब हर किसी का ख्याल एक समान रखते हैं, इसीलिए वो बाजार से घर में सबके लिए बादाम का हलवा ले आएंगे। लीजिए। मुझे पता है कृष्णा, मेरा बेटा सोना है। सोना नहीं है माँ जी, हीरा है, हीरा। कृष्णा वो आ गए क्या? हाँ राय साहब आ गए हैं और सबके लिए बादाम का हलवा लाए हैं। हलवा लाए हैं? हाँ मेम साहब, राय साहब सबके लिए पैकेट में हलवा लाए हैं और मैंने सबको हलवा बांट दिया है। मेम साहब अब मैं भी अपने हिस्से का हलवा ले लेता हूँ, आप भी खाइए और राय साहब को भी खिलाइए। ये क्या है? मैंने तो वो लाने के लिए कहा था, तो हलवा क्यों लेकर आए हैं? ये कौन सा हलवा है? बादामी हलवा, बहुत तेज भूख लगी है, दिल भर कर खाऊंगा। माँ जी पैकेट खोला क्या? बादाम खाया क्या? कैसा था बादाम? बादाम के हलवा के बारे में पूछा तो माँ जी मुझे थप्पड़ क्यों मारी? लगता है ये हाथी के पैर को मैंने कहीं देखा है। अबे ए खजूर, अगर मैं अपने बाजू में तुझे सोने देता हूँ तो तू मुझे उस टाइप का समझ रहा है क्या? कौन से टाइप का मामा? इस टाइप का। बचवा क्या है? तेरी उम्र कितनी है? 25 साल। मेरी उम्र कितनी है? 80-85 की कम से कम तो होगी दादी। तुम फिर भी मेरे साथ मजाक करता है नालायक। अरे बाप रे, आज लगता है मेरा टाइम खराब है, हर कोई धोखे जा रहा है। ऐसा इस हलवे में क्या है कि हर कोई मुझे धोखे जा रहा है? इसमें क्या है आखिर? इस बादाम के हलवा में ऐसी क्या बात है कि हर कोई मुझे धोता जा रहा है? बादामी हलवा, मेरी बादामी हलवा। पगले, ये सब बांटने के लिए मैंने कहा था क्या? तो फिर ये सब क्यों बांटा? मेरा टाइम खराब चल रहा है ना। राय साहब, ये बादाम के हलवा खाने के बाद सभी मेरी धुलाई कर रहे हैं, ऐसा इस पैकेट में क्या है आप बताएंगे? बादाम के हलवा के बारे में पूछा तो इन्होंने भी मुझे जमा दिया। पारो, बादाम का हलवा खाया क्या? तुम्हें कैसा लगा? आज रात तुम्हारे सपने में आकर हम दोनों डिंजिक डिंजिक कर सकते हैं ना? आहा, लव करने वाले लव लेटर देते हैं, फिल्म दिखाने ले जाते हैं, पर तेरा ये कैसा पागलपन है? मुझे क्या बाजारों समझ रखा है? लक्ष्मी कपड़े दो। अरे रे, ये क्या है? सूट? नहीं 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 नहीं, मुझ पर ये सब नहीं जचेगा। आप इसे पहनेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, लीजिए। लक्ष्मी मुझे इन चीजों की आदत नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगेगा। ऐसा कहने से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको पहनना होगा। सभी पहन सकते हैं लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, मैंने आज तक कभी भी ये कपड़े पहने नहीं, इसलिए मुझे इसकी आदत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इसे पहनेंगे नहीं। दया करके मुझे माफ करो। ठीक है तो आप अकेले फिल्म देखने जाओ, मैं नहीं आऊंगी। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी इतनी सी बात के लिए इतनी नाराज हो रही हो? हाँ तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं आपको सूट में देखूं। पहनना होगा? ठीक है, तुम्हारे लिए पहन रहा हूं। है तू ही तू, है तू ही तू, है तू ही तू ही तू ही, है तू, है तू, है तू। प्यार अपना सागर से भी ज्यादा गहरा है। आपका ही तो मेरे इस दिल पे पहरा है।
इस दिल में, तुम ही तुम हो इस दिल में, है तू ही तू, है तू ही तू, है तू ही तू, है तू ही तू, है तू, है तू, है तू, है तू। प्यार अपना सागर से भी ज्यादा गहरा है, दिल में तुम ही तुम हो इस दिल में, है तू ही तू, है तू ही तू, है तू ही तू, है तू ही तू, है तू, है तू, है तू, है तू। चाहे अब तो रान न छेड़ू तुझे, न छोड़ू तुझे, कुछ तो बोल दो। मेरे दिल में भी तुम ही तुम हो, तुम ही को चुरा, सुन लो साजना, तुमको प्यार दूं। प्यार है भरा इस दिल में, इस दिल में, है तू ही तू, है तू ही तू, है तू ही तू, है तू ही तू, है तू, है तू, है तू, है तू। प्यार अपना सागर से भी ज्यादा गहरा है। नजर ना लग जाए। इसके साथ आप भी मिल गई? सिर्फ माँ अकेली नहीं, जो भी आपको देखेगा आपके बारे में यही कहेगा, है ना माँ जी? मालकी, राय साहब घर में नहीं है क्या? दादी जी, चश्मा पोंछ कर अच्छे से देखिए, यही मेरा बेटा है, तुम्हारा राय साहब। इन कपड़ों में
कितना प्यारा लगता है ना मेरा बच्चा। इस अंग्रेज के साथ हमारे राय साहब की तुलना कर रही हो, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मालिक धोती कुर्ता पहनकर जब जमीन पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि चंदा मामा जमीन पे आया है। मुझे पागल मत समझो, छोड़ ऐसा। इसलिए तो कहते हैं जिसे जैसा रहना है उसे वैसा ही रहने दो, हमारे लिए तो बस वही ठीक है। ये आपको मुबारक। क्यों चाचा, खाना अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं, खाना पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। क्या ये बात तुम नहीं जानते हो क्या? हाँ ऐसा है और क्या। अरे भैया जरा मुझे भी खाना देना। देख रहा है तू इसका घमंड? चलो इसका घमंड उतारते हैं। सब्जी अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा मुझे अच्छी नहीं लगी। ये क्या मामा जी, पत्ते को मेरे मुंह पर फेंक रहे हैं आप? अरे तू गिलास क्यों फेंक रहा है, चल पानी डाल। ए, ए, ऐसे पानी डालेगा तो मैं पीऊंगा कैसे? हम ऐसे ही डालते हैं। बिल्कुल कुत्ते की तरह चाट चाट के पी। किसको कुत्ता बोल रहे हो तुम? तुझे ही कुत्ता बोल रहा है बाबू, अनाथ कुत्ता। मामा मुझे कुत्ता कहकर बुला लो, लेकिन सुन लो, आज के बाद मुझे अनाथ कह के मत बुलाना आप लोग। दिन भर कुत्ते की तरह तुम हिलाता फिरता है, तेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है अनाथ। रोने वाला एक भी नहीं है, अनाथ नहीं तो और क्या है? मामा जी अनाप शनाप बातें मत कीजिए, मेरे लिए मेरे राय साहब जिंदा हैं। ओह जैसे राय साहब इसके ही हो। ए, सिर्फ तेरे अकेले के राय साहब नहीं है, तेरे अकेले के राय साहब नहीं है। तुझे खाना फेंक के दे रहे हैं, खा ले वरना वो भी नहीं मिलेगा। ए, इस तरह से खाना खिलाओगे तो कोई कुत्ता भी खाना नहीं खाएगा। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारा मुंह भी देखा तो मुझे जूतों से मारना, हट। अरे जाना जाना, फोकट का खाता है किसी और के काम आ जाएगा। सही है ना? हे भगवान, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा पति मिलेगा। इस सुख और सौभाग्य को हमेशा बनाए रखना। मंगल आरती लीजिए, धन घन कार्य अष्ट और ऐश्वर्य प्राप्त हो आपको, भगवान की दया से शीघ्र ही संतान की प्राप्ति भी हो। राय साहब, इस साल श्री राम नवमी वाला उत्सव बहुत धूमधाम से होना चाहिए, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है लक्ष्मी, मैं इनसे बात करके आता हूँ। ठीक है मैं आती हूँ। ठीक है बेटी। मुझे तेरे ये चिल्लर पैसे नहीं चाहिए, तेरा मंगल सूत्र चाहिए। शर्मो हया मान मर्यादा तुम में होती तो गांव में आग लगाने वाले के घर में तुम दिया नहीं जलाती। अपनी मां के हत्यारे को गले लगाकर मां बनना चाहती हो, ये कभी नहीं होगा। अगर वो बुरे इंसान होते तो मैंने उनको कब का मार दिया होता, लेकिन वो सच में बहुत ही नेक इंसान है। भगवान की कसम खा के कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। शाबाश, गांव जलाने वाले को भगवान बना रही हो। सच में उनकी गलती नहीं है। चुप हो जा। तेरी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि तू उसके साथ खाली खुशहाल जिंदगी बिताए, तुझे विधवा होना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ए, इस पे क्या भरोसा करना, चलो। ए, तू बदल गई है लेकिन हम नहीं बदलेंगे। कुछ भी करना पड़े हम उसे जरूर मारेंगे। अगर तू बीच में आएगी तो तुझे भी मार देंगे। हाँ क्या बात है बेटी, बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। अब पंडित जी, मेरी सुहाग को हमेशा सलामत रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? बेटी ऐसी बात क्यों पूछ रही हो? मेरे पतिदेव को। आपके पतिदेव तो बहुत आयुष्मान है बेटी, ईश्वर की बहुत कृपा है उनके ऊपर। राय साहब 100 साल तक जिएंगे। फिर भी अगर तुम्हारे मन में डर है तो तुम्हें सुमंगली व्रत करना चाहिए।
ईश्वर की कृपा बनी रहेगी उन पर और तुम भी सदा सुहागन बनी रहोगी बेटी। इस व्रत को कैसे करते हैं? सुहागनों के हाथों से 101 दिए जलाने होंगे और अपने हाथों से भगवान के लिए प्रसाद बनाना होगा, तभी ईश्वर की कृपा तुम दोनों पर बनी रहेगी। सब्जी डाल दो बेटी। ठीक है माँ जी। क्यों बेटी, सब हो गया ना? पकवान फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। रुक जाओ भैया, मेरे बहू के बनाए खाने की सभी कितने तारीफ करेंगे, तुम खुद देख लेना। सुनो भैया, वो गाजर दे दो, थोड़ा जल्दी कीजिए। सुनो हाँ, वो चावल उसमें डाल दो। ठीक है दीदी। सारा इंतजाम मैंने किया है, समझा? बाबू कहाँ है? तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ, एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? बाबू कहाँ है? बाबू कहाँ है रंगा? कहाँ है भैया बाबू? कल बाबू खाना खाने के लिए आया था तो इन्होंने उसको अनाप सनाप कहा, अनाथ भी कहा मालिक, तब से बाबू दिखाई नहीं दे रहा है। बाबू 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 क्यों बड़े भैया इतने बड़े बन गए कि मुझे बिना बताए चले गए? मेरी खैर खबर पूछने वाला कोई नहीं, माँ बाप नहीं है, अनाथ हूं मैं, मेरा कोई नहीं, अनाथ आदमी हूं। जब कोई मरता है तो उसे चार लोग कंधा देते हैं, मेरी खातिर रोने के लिए तो कोई भी नहीं है। जिसके माँ बाप नहीं अगर वो अनाथ है तो वो भगवान भी अनाथ है बाबू। वो भगवान अनाथ होता है तो होने दीजिए, मुझे लगता था कि आप मुझे भाई जैसा समझते हैं। गांव के लिए आप राय साहब होंगे मगर मेरे लिए तो भाई ही थे। आपने कह दिया कि गांव छोड़कर चले जाओ, आप मेरी लाश को कंधा दोगे ना मालिक? मुझे अनाथ मत छोड़िए मालिक, मुझे अनाथ मत छोड़िए। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद किसी को भी अनाथ मत कहिएगा। मैं और मेरी माँ के जिंदा रहने तक यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। किसी को भी भूख लगे तो उसे खाना खिलाना चाहिए, समझे? अगर ये काम नहीं कर सकते तो कोई और कर लेगा। लक्ष्मी। हाँ जी बोलिए। बाबू का खाना लगाओ। ठीक है। आओ बेटा। मालिक आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आपने मुझे खाना खिलाया ना, मैं भी आपको खाना खिलाना चाहता हूँ, आप खाएंगे ना? पूछ क्यों रहा है तू, खिलाना? नहीं जी, जब तक पूजा नहीं होगी आप खाना नहीं खा सकते हैं। ओहो हो, बाबू तुम खाना खाओ, पूजा करने के बाद मैं भी खा लूंगा। महालक्ष्मी देवता पादयोः पाद्यं समर्पयामि।
राय साहब बाबू खाना खा के खून की उल्टियां कर रहा है। राय साहब उनके खाने में जहर मिला हुआ था। रुकिए, कोई भी खाना मत खाइए, खाने में जहर मिला हुआ है। बाबू कैसा है? खाना नहीं खा रहा है। क्यों? जब तक पता नहीं चलेगा जहर किसने डाला है तब तक कोई नहीं खाएगा। जहर डालने के लिए कोई और गांव से नहीं आया था, इसी गांव में किसी का काम है। कौन? आपको किस पर शक है? बाहर से कोई नहीं आया था साहब, ये घर वालों का ही काम है।
बात किया कर। इस घर में खाना खिलाते हैं, जहर नहीं खिलाते। आप नहीं माजी, ये आपकी बहू का काम है। ए? पापी, इतने दिनों से खाना खिलाया, उसका ये सिला दे रहे हो? माफ कीजिए माजी, परसों मंदिर के पास बलराम से बात करते हुए हम सभी ने देखा है। अच्छा, ये बात आपसे या राय साहब से इन्होंने बताई है क्या? अच्छा मालिक, अगर आप ये कह दें कि जहर वाली बात झूठ है तो हम सब मान जाएंगे। सुनिए जी, मैंने उनसे बात की, सच है, लेकिन भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने जहर नहीं मिलाया। मेरा अब उनसे कोई संबंध नहीं है। दया करके मुझ पे विश्वास कीजिए। इन लोगों को विश्वास दिलाने की क्या जरूरत है बेटी? ए? तुम लोग विश्वास करो या ना करो, मैं अपनी बहू के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। निकलो यहाँ से। माँ, निकलना उनको नहीं है, आपकी बहू को है। शादी की पहली रात को ही पत्थर से मेरी जान लेने की कोशिश की थी इसने। इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ समझकर मेरे यहाँ बदला लेने आई थी, लेकिन आज तो पूरे गांव को जहर देकर मारने की कोशिश की इसने, इसलिए अब इसे इसी पल जाना होगा। मामा जी, भांजे, तुझे अनाथ समझकर तुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया मैंने। मेरे बेटे को मार के मेरे घर को बर्बाद करना चाहती हो तो तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगी। जी, तू कभी अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ जी मत कहना, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ जाओ कहती हूँ। जब तू अपनी शादी के लिए मान गया बेटा, तो इस खुशी में मैंने लड़की के बारे में कुछ नहीं पता किया। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझसे गलती हो गई। नहीं माँ, आपकी बहू सच में बेकसूर है। मतलब? मुझसे बदला लेने के लिए इसने मुझसे शादी की थी, ये सच है, लेकिन सच का पता चलने के बाद उसे पश्चाताप हो गया था, नहीं तो मेरी पत्नी बनकर इतने दिन मेरे साथ नहीं रहती और मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत भी नहीं रखती। खाने में जहर उसी ने मिलाया होता तो बाबू को खाना खिलाते समय वो मुझे नहीं रोकती। फिर तूने उसे घर से क्यों निकाल दिया? लोगों के लिए माँ, हमारे खाने को कोई भी शक की नजरों से ना देखे इसलिए। नहीं बेटा, लोगों के कहने पर पत्नी को छोड़ते हैं, उनकी बातें सुनकर पत्नी को घर से बाहर निकालना कौन सा इंसाफ है? माँ, एक धोबी की बात सुनकर श्री रामचंद्र ने सीता देवी को वनवास भेजा, हरिश्चंद्र शमशान पहुंचे। लोगों को यह सब पागलपन लगता होगा, लेकिन प्राण से बड़ा वचन होता है, विश्वास का यही न्याय है। सच्चाई का पता लगने तक लोगों को यह कलंक सहना पड़ेगा माँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, खाने के सामने बैठकर रोना अच्छी बात नहीं है, खाना खा लो। मेरे पति ने ही मुझे छोड़ दिया, तो मैं आगे की जिंदगी जीकर क्या करूंगी? ऐसा मत कहो, तुम मर जाओगी तो तुम पर लगा कलंक हट जाएगा क्या? आज नहीं तो कल सच सामने आकर ही रहेगा। सच्चाई आग से ढकी राख की तरह होती है, जिस दिन शक की राख हटेगी सच्चाई की आग जरूर दिखाई देगी। अपने आप को संभालो, खाना खा लो, प्लीज खाना खा लो। अरे अरे, घबराओ मत बेटा। माँ, नहीं माँ, माँ। कुछ नहीं होगा बेटा, इन्हें सांप ने काट लिया है। जल्दी जाकर नागमल्ली पत्ता, मेथी का पत्ता अच्छे से पीस कर ले आओ। जाओ जल्दी। माँ।
घबराओ मत बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। अच्छे से पीसा है ना? हिम्मत मत हारना, आज के बाद कुछ नहीं होगा, तुम 100 साल खुशी से जियोगे। माँ, तुम मेरी जान बचाने वाली देवी हो माँ। रोना नहीं, जान देने वाले लेने वाले हम कौन होते हैं, सब भगवान की माया है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम किसके बेटे हो? माँ जी, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मेरी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ए, अपने को अनाथ क्यों कहता है? मैं नहीं हूँ क्या? मैं ही तेरी माँ हूँ। अच्छा चल घर चलते हैं, खाना खा के थोड़ा आराम कर लेना, कल सुबह उठ के अपने गांव चले जाना। ए माँ, आपका प्यार अमृत जैसा है, इन हाथों से खाना खाने के लिए एक दिन मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा माँ। आप कौन है स्वामी जी? मैं एक साधु हूँ माँ जी, बहुत भूख लग रही थी, तब किसी ने बताया इस वक्त खाना आप ही के यहाँ मिलेगा, और उन्होंने आपका घर भी दिखाया, इतनी रात में आपको जगाना मैंने ठीक नहीं समझा, इसलिए यहीं सो गया। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे घर आके कोई भूखा नहीं जाता, खाना खा के जाता है, आप रोज खाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आइए अंदर खाना खाइए। खाना खाइए स्वामी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये ना स्वामी जी, आप क्या सोच रहे हैं स्वामी जी, और भी कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझसे किसी ने एक बात कही थी, वही सोच रहा था। क्या कहा उन्होंने? कुछ विशेष नहीं, राय साहब के घर भोजन के लिए जा रहे हो सावधान रहना, आजकल उनके यहाँ खाने में जहर मिला देते हैं। आप दुखी मत होइए, खाना खिलाने वाले जहर नहीं खिलाते, मैं जानता हूँ। रुक जाइए स्वामी जी, इस घर में कभी भी किसी ने भी खाने का अपमान नहीं किया, और आप भी इस खाने पर शक मत कीजिए, अगर आपको कोई शक है तो खाना पहले मैं खाती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, मुझे आप पर विश्वास है। विश्वास की बात नहीं है स्वामी जी, यकीन होने की बात ही खाइए। देखा ना स्वामी जी, इसमें जहर होता तो मैं मर जाती। अब तो खाना खाएंगे ना आप? हाँ। रुक जाइए, मैं दूसरा पत्ता ले आती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, मैं इसी में खा लूंगा, शबरी के झूठे बेर तो श्री राम ने भी खाए थे ना। मैं शबरी इतनी बड़ी नहीं हूँ स्वामी जी। Ah
क्या हुआ माँ जी? पता नहीं सर, चकरा रहा है स्वामी जी। और थोड़ी देर में तुम मृत्यु को प्राप्त होगी। हाँ? क्योंकि तुम्हारे लाए खाने में मैंने ही जहर मिलाया है। हाँ? हाँ? अरे पापी कहीं के, कौन है तू? जिस औरत ने लोगों को खाना खिलाया और उसी को तूने जहर खिलाया, तेरा कभी भला नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगा। रुक जा, चंडाल मुझे धोखा देकर जा रहा है, तेरी मौत भी भयानक होगी चंडाल। अगर तुझे केली को मारने से मुझे भयानक मौत मिलने वाली है तो तेरे बेटे ने बहुत लोगों की जान ली है, इसलिए उसका अंत और बुरा होगा, तुझे मरना ही होगा। रुक जा, सूर्या, आज घर पे कोई नहीं है, सूर्या मेरा बच्चा, आज घर पे कोई नहीं है मेरा बच्चा, सूर्या। सूर्या मुझे बचा ले बच्चा, सूर्या मुझे बचा ले, सूर्या। सच की राह पे आगे बढ़े चले, जख्म दिए जग ने हमें, न्याय के लिए सूर्या ही लड़े। कैसे हम जिए हमें नहीं पता। भांजे, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। जब उसने आपकी मूर्ति गिराई थी तभी आप उसको खत्म कर देते तो ये अनर्थ नहीं होता। घर में घुसकर उसने माँ जी को मार दिया और अभी भी हम हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। माँ की जान लेने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे राय साहब। अगर हम लोग ऐसे चुप रहेंगे तो वो हर एक आदमी को मार डालेगा राय साहब। आप हाँ कहिए, उन सबको काट के गाँव के चौराहे पे लटका देंगे, उस गाँव का नामो निशान मिटा देंगे। जाइए, सब जाइए, वहाँ जाकर सबका कत्ल कर देना, एक परिंदा भी नहीं बचना चाहिए, और वहां से सीधा आकर मुझे भी मार देना। अरे भांजे, ये क्या है मामा? मेरी माँ गुजर गई, मेरा बाबू गुजर गया, इतना कुछ होने पर भी मैं क्यों अब तक चुप बैठा हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की तरह ये लोग अपने माँ बाप, अपने बच्चों और अपने पोतियों को खोए। जाने दो, मेरा अपना ही गया है ना, जाने दो।
दया करके आप सभी यहाँ से जाइए। भांजे ये आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राय साहब, इस गांव में आपके घर में बहुत कुछ अनर्थ होता जा रहा है। समस्या का निवारण करने के लिए आप शांतियां करवाएंगे तो सब अच्छा होगा। ये सही कह रहे हैं। राय साहब, हमारे गांव के मंदिर में एक शांति यज्ञ कराएंगे तो आपके कष्टों का जल्दी ही निवारण होगा, इस गांव का भी कल्याण हो जाएगा। लोगों की शांति के लिए, सुख के लिए जो करना है कीजिए। आपको जो भी चाहिए उसे लाकर देना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा गांव, मेरे लोग खुश रहने चाहिए बस। बलराम भैया, क्यों रुक गए आप? हंसिए और जोर से हंसिए ना। उस गांव की महान माजी को आप दोनों ने तो मिलकर मार दिया। उनकी मौत से क्या आप दोनों को आपका सब मिल गया? मेरे पति देव अपनी माँ को खोने के बाद भी बिल्कुल शांत बैठे हैं। क्या पता चला कि वो कैसे इंसान है? अगर मेरे पति चाहते ना, तुम दोनों को ऐसे ऐसे चुटकियों में मार देते तुम्हें। लेकिन उन्हें कोई दुश्मनी नहीं चाहिए। उन्होंने हमेशा सबका भला चाहा है, बुरा नहीं। दया करके ये सारी बातें भुलाकर दुश्मनी खत्म करो। ए, तू मेरे गांव की रहने वाली है, इसी वजह से तुझे छोड़ रहा हूं मैं। चल जा यहां से, जा। बात समझ में नहीं आई क्या? चली जा यहां से। मैं कितना भी समझाऊं, आप दोनों समझना ही नहीं चाहते। लेकिन एक ना एक दिन आप दोनों को पता चल जाएगा। जीजा, उसकी माँ को आपने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? मैंने। हमने उस बुढ़िया को मार डाला। आश्चर्य हो रहा है तुम लोगों को? वो सूर्या जैसे आपका दुश्मन है, वैसे ही हमारा भी दुश्मन है। एक छोटी सी गलती की वजह से उस बुढ़िया ने उसके कान भर दिए और मुझे टकला कर दिया और मुझे गांव से बाहर निकलवा दिया। सूर्या ने दुशासन के खून से अपने खुले बाल धोऊंगी, जैसे उस द्रौपदी ने शपथ ली थी, वैसी शपथ मैंने भी ली थी। इनको टकला बनाने वाले के खून से मैं एक दिन होली खेलूंगा, ये मेरा प्रण था। मौके का इंतजार कर रहा था, इसलिए मैंने अपने भाई को भेजा, उसकी माँ को मरवा दिया। उसकी माँ के बाद अब वो मेरे निशाने पर है। ए! उसको तो मैं मारूंगा ही, और जो भी बीच में आएगा उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ ठीक है, तुम उसे मारो या मैं उसे मारूं, उसे मरना होगा, वो भी तड़प तड़प के। कल अपने गांव के मंदिर में वो सूर्या शांति हवन करने जा रहा है, कल वो हवन उसकी मौत का कारण बनेगा। लक्ष्मी बहन। हाँ भीमा भैया। लक्ष्मी बहन, तेरे गांव के मंदिर में तेरे पति को मारने के लिए हमारे गांव वाले तैयारी कर रहे हैं। हाँ? जल्दी से अपने गांव वालों को बोल के अपने पति की जान बचा ले बहना। मैं चलता हूँ। हाँ? भीमा चलो यहाँ से। जीजा, गांव वालों को आप लेके जाओ, मैं इनके साथ जाऊंगा। क्या हुआ भाई? भैया मैं भी होके आता हूँ। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? मेरी जान बचाने वाली माँ को तूने मार दिया ना? हाँ?
चलो जाओ यहाँ से। तुमने राय साहब को धोखा दिया है तो हम क्या चीज है? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से तुम्हारा गांव बर्बाद हुआ है, अब हमारा गांव बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हारी बात मानी तो हम लोग भी कहीं के नहीं रहेंगे। चलो जाओ यहाँ से। चलो जाओ। देखिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे पति देव को मारने के लिए उस गांव के सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। इस वक्त वो मंदिर में होंगे। देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। वो किसी भी तरह से बचना नहीं चाहिए, होशियार रहना। कहाँ है वो दोनों? आपने उन दोनों पे भरोसा क्यों किया जीजा? उस सूर्या के साथ 48 गांव है, ये बात सुनकर वो दोनों डर से भाग गए। मैं ही मारूंगा ऐसा बोल के कुत्ते की तरह भौंक रहा था। बलराम भाई, ये धोखेबाज है। इसने हमें धोखा दिया है। ये भीमा सूर्या की तरफ है, इसने मेरा सर फोड़ दिया और मेरे छोटे भाई को भी मार दिया। ये भीमा सूर्या की तरफ है। सूर्या भाई भाग जाइए। सूर्या, तू कितनी भी पूजा कर ले, तेरी मौत मेरे हाथों से ही होगी। तुझे कोई भगवान नहीं बचा सकता, निकल बाहर। आप पूजा करते रहिए। ए, ये क्या हुआ? सूर्य भाई, बाबू की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मैंने आपकी माँ को नहीं मारा सूर्य भाई, उस दारू वाले के भाई ने मारा। मेरी गलती के लिए जीजा ने मुझे सही सजा दी है। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। आप यहाँ से चले जाइए सूर्य भाई, आप यहाँ से चले जाइए। कुछ भी हो जाए, आप में से कोई बीच में नहीं आएगा। Thank you.
तुझे बिना हथियार के मारूं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं। हम में से जो भी जीतेगा वो इसी तलवार से मारेगा। तुम्हें जीतना ही जरूरी है तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। अब यहां से चले जाओ। तुझे बिना मारे मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बलराम, मेरी बात सुनो। रुको। मुझे कुछ भी हो जाए, कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर कोई आया भी तो उसे मेरी कसम। बलराम, तूने मेरा दूसरा रूप नहीं देखा है। आखिरी बार कह रहा हूं, चले जाओ। हार गया, मुझे मार दो, मुझे काट दो, काट दो, मुझे मार दो। अगर मैं तुझे मारना चाहता तो तुझे बहुत पहले मार चुका होता, लेकिन वो मेरे संस्कार नहीं। तेरे पीछे सिर्फ एक गांव है, मेरे पीछे 48 गांव हैं। मैं तेरे गांव का नामो निशान मिटा सकता था, पर वो मेरी संस्कृति नहीं। अभी मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा ताकि तुझे हरा कर मैं जीत सकूं, बल्कि इसलिए कि आगे किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए। मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने कौन सा गुनाह किया है? उस दिन मैं उसे सांप से बचाने गया था, पर मुझे गलत समझकर उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था। सच्चाई क्या है जाने बिना तुमने मुझे पेड़ पर बांध कर मारा। ये बात किसी को पता ना चले ऐसा मैंने ड्राइवर बाबू से वादा करवाया, पर उसने वादा तोड़कर गलती की और उसकी बात सुनकर पूरे गांव वालों ने गलती की। उसने गलती की, तुमने गलती की, बाबू ने गलती की, इन सभी ने गलती की। मैंने कौन सी गलती की? कौन सी गलती की मैंने? आखिरी तक इन लोगों के लिए जीने की तमन्ना रखी थी मैंने। क्या यह मैंने गलत सोचा था? भूखों को भरपेट खाना खिलाना क्या यह मेरी गलती है? सारे बेसहारों को सहारा देना क्या यह मेरी गलती है? जिस जिसको जो जो चाहिए मैंने दिया, क्या वो मेरी गलती है? अब भी तुम्हें मेरी गलती लगती है तो मैं मरने के लिए तैयार। काट डालो, मार डालो, मुझे खत्म करके अपना बदला पूरा करो, मुझे खत्म करके अपना बदला पूरा करो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नफरत करना छोड़कर प्यार करना सीखो मेरे भाई।
आज भी हमारे गांव का इस देश में बहुत अच्छा नाम हो सकता है। हम गेहूं उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तरकारी उगाते हैं और साथ में प्यार बढ़ाते हैं, एकता को बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, इंसानियत को बढ़ाते हैं। सुख में या दुख में अपने लोग साथ रहते हैं, अच्छा हो या बुरा हो आगे बढ़ने की अच्छी सोच रखते हैं। विश्वास करो, इस विश्वास को कभी मत तोड़ना। गुस्सा, नफरत सब कुछ भूल जाओ, इससे क्या हासिल होगा। प्यार करना सीखो, तुम भी बढ़ोगे, तुम्हारा गांव भी बढ़ेगा। ऐसा ही होगा। आपके 48 गांव के साथ हमारे गांव को भी मिला लीजिए, हम सबको मार्गदर्शन दीजिए, हमारे नायक बनिए, नायक बनिए। क्या कहते हैं सभी? सूर्य भैया की, सूर्य भैया की, सूर्य भैया की। मैंने तुम पर शक करके तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला था। सच्चाई क्या है लोगों को पता चले इसलिए भेजा था। सहनशील होकर, सीता बनकर सबके सवालों का जवाब दिया है। अब वापस आ जाओ।